नमस्ते अजी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। त्योहारों का मौसम आ गया है और त्योहारों के इन मौसम में जो सबसे पहला त्योहार आता है वो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का पावन पर्व है और हमारे संस्था के बच्चों ने मिलकर बहुत ही प्यार से आपके भाइयों के लिए राखियाँ बनाई हैं, क्रिस्टल से बनी हुई राखियाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रिस्टल, रुद्राक्ष और जेमस्टोन बहुत समय से हमारी संस्था से आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो इस साल बहुत अच्छा ये आइडिया पे काम किया गया है कि भाग्यांक और मूलांक को ध्यान में रखते हुए आपके भाइयों के लिए क्रिस्टल से बनी हुई राखियाँ बनाई जाए। ब्रेसलेट क्यों, आप क्रिस्टल की ही राखी उन्हें बांधें, है ना। अब किसी भाई को रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, अच्छा होना है, किसी को बहुत नज़र लग जाती है तो उन्हें नज़र से बचाना है, उनके काम धाम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, है ना, उनका जॉब बहुत अच्छे से चल रहा है, उनका रूप रंग बहुत प्यारा है, नज़र से बचाना है। किसी भाई को कैरियर में आगे ग्रोथ पाना है तो कैरियर के लिए कुछ स्टोन्स होते हैं जिन्हें हम उन्हें पहना सकते हैं। किसी का चंद्र कमज़ोर है तो उसे मोती पहना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे स्टोन्स और जेम स्टोन्स हैं जो जीवन के अलग अलग कारकों के लिए, जीवन में वो किस तरफ जाना चाहते हैं, कहाँ वो संघर्ष कर रहे हैं या फिर सब अच्छा है, तो उनका भाग्यांक और मूलांक को देख करके कौन सा स्टोन उनके लिए सबसे अच्छा होगा, ये आप अपने भाइयों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मैं हमेशा नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज मैं ज़रूर बोलूँगा कि बेटा इस बार तो ज़रूर इस तरह की राखियाँ आप अपने भाइयों के लिए ज़रूर से बनवाएं। हमारे संस्था के दिए हुए नंबरों पर हमारे बच्चों से बात करें, ये जो नंबर है इसमें ही लगाना, आपके फ़ोन को उठाएंगे, अपने भाई का डेट ऑफ बर्थ बताना, नाम बताना और कौन सा सबसे अच्छा क्रिस्टल हो सकता है आपके लिए, वो आपको सजेशन दे देंगे। देखो, ये तो हो गई राखियों की बातें, अब बहुत सारी चर्चा ऐसी भी है जो आपको समझना होगा कि कौन सी राखी कब हम उन्हें पहनाते हैं। जो भाई करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए पायराइट है, ग्रीन एवेंचरिन है, सिट्रीन है। जो स्पिरिचुअली आगे ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए रुद्राक्ष है, ये स्फितिक है, क्लियर क्लियर क्वार्ट्ज़ जिसे कहते हैं, ब्लू एवेंचुरिन, मोती, रोज़ क्वार्ट्ज़, ये सब बेहतरीन क्रिस्टल्स हैं जो आपके भाई भाइयों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आते हैं। और ये तो केवल सैंपल्स हैं, नमूने हैं, सैकड़ों किस्म की राखियाँ बन रही है, सैकड़ों किस्म की खूबसूरत राखियाँ बन रही है, जिसमें गणेश जी हैं, जिसमें बुद्धा हैं, जिसमें शिव जी का त्रिशूल है, इवल आई प्रोटेक्शन है, हर तरह के डिज़ाइन में अलग अलग खूबसूरत तरीके से राखियों को बनाया जा रहा है। क्रिस्टल अपनी जगह बहुत सही चीज़ है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, ब्रेसलेट जो पहनते हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन राखी तो राखी होती है ना, तो राखी में साधारण डिज़ाइन क्यों पहनाएं, अपने भाइयों को सुंदर चीज़ें पहनाएं, शक्तिशाली चीज़ों को पहनाएं। और ना केवल अपने भाइयों के लिए बल्कि भाभियों के लिए भी, जो हम जो भाभी राखियाँ होती है, अपनी बहनों को भी, अपनी छोटी बहनों को भी, अपनी बड़ी बहनों को भी, जो बहनों के लिए जो रक्षा राखियाँ होती है, हम एक दूसरे को बांधते हैं, हर कल्चर में हम बांधते हैं। तो आप जो बहनें हैं, आप अपने हर किसी को इन क्रिस्टल से बनी हुई राखियों को बांधते हैं, तो इस पर्व में कुछ ऐसा करें जो बहुत फ़ायदेमंद हो। और एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, जब भी आप राखी बांधेंगे तो राखी को यूं ही नहीं बांधना है, राखी बांधने के दिन का एक पूरा का पूरा रिचुअल होता है। कई बार ऐसा होता है कि रक्षाबंधन के दिन में हम राखी नहीं बांध पाते क्योंकि भाई नहीं आए होते हैं, या हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाई होती हैं, या कुछ दिन के बाद भाई पहुँचते हैं तो मिलन में लेट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रक्षाबंधन के दिन अगर बांधे तो ही वो रक्षाबंधन होगा, नहीं, रक्षाबंधन से 4 दिन पहले, रक्षाबंधन के 10-12 दिन, 15 दिन बाद भी अगर भाइयों से आपकी मुलाकात होती है तो अपने हाथ से बांधना, और जिस दिन बांधे हैं उस दिन सुबह बांधने से पहले उपवास ज़रूर रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जब भी आप बांधेंगे इस राखी को, पहले हाथों में रख करके उसके साथ अपनी प्रार्थनाओं को जोड़ लेना कि किन कारणों के साथ आप इन राखियों को अपनी अपने भाइयों के लिए आपने लिया है, उन कारणों के लिए, उन कारणों को रख करके प्रार्थना करना कि मेरे भाई के जीवन में
धन संपत्ति आए, सुख समृद्धि आए, या उसके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, उसका रूप रंग बहुत अच्छा हो जाए, उसका सेहत स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए, मेरे भाई को किसी भी तरह के नज़र से, किसी भी तरह के बुरे विचारों से बचाना, ये इस तरह के अच्छे थॉट्स डालना बहुत अच्छा होता है। हालांकि इन सब से ऊपर एक बात ये भी है कि जो भी राखियाँ आपके लिए जाती है उसे मैं अपने हाथों से हील करूँगा, अपने हाथों, क्योंकि आपने अपने भाइयों के लिए भाग्यांक और मूलांक दे करके ये जानना चाहा है कि उनके लिए क्या सही है, तो क्योंकि वो हमारे यहाँ से जाएगी तो उसे मैं ही हील करूँगा, मेरे हाथों से ही वो हील होगा। रिकी के सिंबल से, रामा फेरा के सिंबल से, एंजल हीलिंग के टेक्निक से हम राखियों को हील करते हैं ताकि वो जिस जातक के हाथ में भी जाए उनके हाथों में चढ़ कर उनके शरीर से जुड़ करके उनके जीवन में नए भाग्य का उदय करें। सबसे सुंदर बात ये है कि ये सारी राखियाँ मेरी नज़रों के सामने बननी है, यानी कि हमारे ही कार्यस्थल में, हमारे ही संस्था के प्रीमिशस के अंदर हमारे ही बच्चे इसे बैठ कर के बनाते हैं, बिल्कुल आपके बताए हुए बातों को ध्यान में रखते हुए, आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही संजीदा तरीके से सारे बच्चे मिल करके बहुत ही प्यार से बनाते हैं। और बनाने वाले कोई लड़के नहीं बल्कि बहनें ही हैं, लड़कियों के हाथ से ही ये राखियाँ बननी है, ये हमने सबसे पहले तय किया। तो ये है इस साल का पहला भेंट हमारे धैर्यवान हीलिंग साइंस संस्था की तरफ से जो आप अपने परिवार को दे सकते हैं। आशा करता हूँ ये भेंट आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मेरी प्रार्थना है कि ये सारी राखियाँ आप लोग के जीवन में जा कर के सुख समृद्धि और शांति लेकर आए, परमात्मा का आशीर्वाद लेकर आए। हमेशा मेरी प्रार्थना आप लोगों के साथ रहेगी। नमस्ते आज।